सबको जय यीशु की प्रभु यीशु सुस्त में प्यारे भाइयों बहनों नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए समझने के लिए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए और एक सुंदर क्रिस्ती जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज जून की पंद्रह तारीख है शनिवार का दिन है और आज का दिन का मुख्य संदेश है प्रभु कहता है शपथ नहीं खानी चाहिए शपथ नहीं खानी चाहिए हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में मती अध्याय पांच प्रसंग संख्या तैतीस से सैतीस का प्रसंग में लिखा है तुम लोगों ने यह भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है कि पूर्वजों से कहा गया था और हम लोगों ने इसको सुना है बार बार पुराना विधान में और बात क्या थी जूटी शपथ मत काओ यानी कि शपथ खा सकते हो लेकिन जूटी शपथ मत काओ, ये बात पर जोर दिया गया था पुराने विधान में अब प्रभु क्या, प्रभु ये सो क्या कहते हैं प्रभु के सामने खाई हुई शपथ पूरा करो अगर कोई भी शपथ खाई है उसको प्रभु के सामने पूरा करो उसमें शपथ खाने के बाद पीछे मत रहो यानी कि उस जिम्मेदारी को निभाओ प्रभु कहता है परंतु प्रभु कहता परंतु मैं तुमसे कहता हूं शपथ कभी नहीं खानी चाहिए हम सबों के लिए प्रभु आज के दिन में बताता है कभी भी शपथ नहीं खानी चाहिए पुराने विधान में लोग शपथ खाते थे शपथ खाने के बाद उसको पूरा भी नहीं करते थे कहीं बार शपथ झूठी शपथ खाते थे पूरा होने के बाद भूल जाते थे लेकिन प्रभु कहता साफ साफ शब्दों में कहता है मैं तुमसे कहता हूं शपथ कभी नहीं खानी चाहिए किसी भी परिवेश में किसी भी मोड़ में किसी भी जरूरत में किसी भी आवश्यकता में शपथ नहीं खाने की बात प्रभु कहता है क्यों कहता है ना तो स्वर्ग के शपथ ना स्वर्ग के शपथ खाए ना क्योंकि वह ईश्वर का सिंहासन है ना पृथ्वी की क्योंकि वह उसका पावधान है ना यरूशलेम की क्योंकि वह राजादी राज का नगर है और ना अपने सिर की क्योंकि तुम इसका एक भी बाल सफेद या काला नहीं कर सकते तुम्हारी बात इतनी हो हा के हाँ ना के ना जो इससे अधिक है वह बुराई से उत्पन्न होता नहीं कि प्रभु कहता है कुछ भी किसी भी बात को लेकर शपथ नहीं खानी चाहिए लेकिन अक्सर होता क्या है हम लोग बात बात में हमारी बात साबित करने के लिए हमारी बात प्रूव करने के लिए हम ईश्वर के शपथ कहते हैं माता पिता के शपथ कहते हैं तुम्हारी कसम तुम्हारी शपथ इस प्रकार से हम लोग यूं ही बोल लेते हैं प्रभु कहता है किसी भी प्रकार से शपथ नहीं कहानी चाहिए नहीं। कि हम सबों के लिए सीखने का विषय यह है हम लोग बात बात पर कसम ना कहें बात बात पर शपथ ना लें बात बात पर हम लोग किसी प्रकार से ऐसी ऐसे बांधने वाली बात को हम अपना अपना अपनाएं इसलिए प्रभु कहता है किसी भी बात को लेकर शपथ नहीं खानी चाहिए अगर शपथ खाई है तो उसे पूरा करो किसी भी कहीं बार हम लोग क्या 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 करते हैं हम लोग कसम खाते हैं हम वादा करते हैं एक प्रकार से ओथ हम बोलते हैं उसको हम लोग ऐसा लेते हैं हम आज से ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा जीवन बिताएंगे हम बोलते तो हैं लेकिन अच्छा हुआ उसके बाद उसको निभाते नहीं इसका वजह यह है निभा नहीं निभाने के वजह से उसका संकट हमारे जीवन में आ सकता है हमारे कार्यकलापों में आ सकता है हमारे परिवार में हमारे बच्चों में आ सकता है इसलिए किसी भी बात को लेकर हम ने आपको बंदिश में ना रखें शपथ ना कहें प्रभु कहता है कभी-कभी छोटी-छोटी -कभी बातों को लेकर हम लोग शपथ खाते हैं छोटी-छोटी बातों को बोला झूठ है बच्चे की कसम लोग बोल लेते हैं बच्चे की कसम मेरे सिर के कसम मेरी माँ की कसम हम बोल लेते हैं छोटी-छोटी बातों में झूठ के साथ झूठ को झूठ नहीं है सच्चाई इस बात को साबित करने के लिए हम लोग शपथ कहते हैं कसम कहते हैं जो कि बहुत ही गलत है प्रभु का वचन कहता है और ऐसे करेंगे हम प्रभु से दूर रहेंगे प्रभु के सामर्थ्य से वंचित रहेंगे प्रभु के आशीषों से वंचित रहेंगे और हम प्रभु से दूर जाएंगे तो आशीष आशिश, आशीषों से निश्चित रूप से वंचित रहेंगे हमारे जीवन में वो आशीषों का अकाल पड़ सकता है इसलिए हम इन सभी बातों को लेकर हम लोग ध्यान रखें सावधान रहें सतर्क रहें किसी भी प्रकार से कसम ना का शपथ ना कहें अगर कहीं शपथ खाई उसको निभाने का प्रयास करें कभी कभी सजा से बचने के लिए हम झूठ बोलते हैं सजा अगर सच बोलेंगे सजा मिलेगी सच बोलेंगे पकड़े जाएंगे सच बोलेंगे तो सारा पर्दाफाश हो जाएगा सच बोलेंगे सारी पोल पट्टी खुल जाएगी इसलिए सच को ढकने के लिए हम लोग शपथ खाते हैं सच को ढकने के लिए हम लोग झूठ बोलते हैं झूठी कसम खाते का हैं प्रभु कहता है किसी भी प्रकार से हम लोग झूठ कसम ना का शपथ ना का सच बोले सत्य हमें आजाद कर देगा प्रभु यीशु ने स्वयं कहा सत्य ही तुम्हें आजाद करता है सत्य भले ही जरूर है लोग सुनना नहीं चाहते पसंद नहीं करना चाहते लेकिन सच्चाई की जीत है सत्य कभी पराजित नहीं होता सत्य सत्य हमेशा जीता हुआ है जीत जाएगा और वो सत्य हमें हमेशा जिताएगा इसलिए इस बात को अपने दिल में रखे मन में रखे उसके अनुसार जीवन बिताए चाहे कुछ भी हो जाए सत्य हमें हारने नहीं देगा भले इस दुनिया में कुछ समय के लिए लगता होगा हम हार गए नहीं ईश्वर के दृष्टि हम सभी जीत जाएंगे और ईश्वर हम सबों को जिताएगा जो सत्य के पक्ष में है वो यीशु के पक्ष में है जो यीशु के पक्ष में है वो अनंत जीवन पाएगा वही प्रभु हम सबों का आशीष बरकत प्रदान करें आमीन